हेलो डेवलपर्स, होप यू डूइंग वेल। तो मूवी ब्लॉग के इस सीरीज़ में हम लोग का ये 8वां वीडियो है, और पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग कैटेगरीज तक बात किए और इस यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे थे हम लोग, और नया कैटेगरी क्रिएट कर रहे थे यहाँ से, और उसको अपडेट और डिलीशन पर भी काम कर चुके हैं। तो अब हम लोग पोस्ट वाले सेक्शन पर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली जो प्रोजेक्ट है हम लोग का, आप उसको ओपन विद कोड करेंगे यहाँ से, ठीक। और आपको जैम्प स्टार्ट कर लेना है, ये दो बार ओपन हो गया, एक बार हटा देते हैं इसको, अच्छा कोई बात नहीं। और जैम्प आपको सिंपली ओपन लेना है, मैं दिस पीसी में जाना है और लोकल डिस्क से ही यहाँ पर, जहाँ पर भी आप जैम्प फोल्डर ये इंस्टॉल करके रखे हो उसके अंदर जाना आपको। अब देखो जैम्प स्टार्ट है, आपको जस्ट इसको डबल टैप करके ओपन करना है, ठीक है। या फिर आप जैम्प कंट्रोल से भी कर सकते हो। तो सिंपली हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं। तो इधर आने के बाद सिंपली हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन करेंगे। आपको यहाँ से टर्मिनल ओपन करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है PHP आर्टिशन सर्व, स्पेलिंग गलत है, CRVE, ठीक है, और इंटर दबाना। तो प्रोजेक्ट रन हो गया, तो सिंपली आपको इनको फॉलो करना है। ऑलरेडी यहाँ पे रनिंग में है, ये क्लोज़ हो गया, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको लोड लेने देते हैं, ठीक है। और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेआउट बनाने वाले हैं सारा, क्रिएट पोस्ट और ऑल पोस्ट का। और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा थोड़ा काम करेंगे हम लोग, दो तीन वीडियोज़ में पोस्ट वाला सारा काम निकाल देंगे, पिछले वीडियोज़ की तरह बड़ा नहीं करना। तो आपको URL में आना है और यहाँ पर एडमिन करके लॉगिन कर लेना आपको। मेरा ऑलरेडी लॉगिन था थोड़ी देर पहले, अभी सेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ उसका, तो ये इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है ऑल पोस्ट इसको, तो जैसे ऑल कैट है इसका जितना भी कोड है यहाँ पे, अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, टर्मिनल को क्लोज़ कर देते हैं। अभी यहाँ पे ऑल कैटेगरीज में देखो, सबसे पहले आपको इधर देखो साइड में आप व्यूज़ रिसोर्सेस, उसके अंदर व्यूज़ के अंदर एडमिन वाले सेक्शन में आना, कैटेगरी को भी नहीं देखना, ठीक है। लेआउट यहाँ पे बंद करते हैं। एडमिन पे एक बार राइट क्लिक करना है आपको, और यहाँ से न्यू फोल्डर बनाना जिसका नाम होगा पोस्ट, ठीक है। और सिंपली कैटेगरी में आना है, और यहाँ पर ऑल कैटेगरी वाला जो भी कोड है इसको यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके कॉपी करना, पोस्ट में आना, यहाँ से न्यू फाइल बनाना, ठीक है। और ऑल पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है, और इसके अंदर वो सारा कोड पेस्ट कर देना ऐसे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम लोग एडिट कर लेते हैं। सबसे पहले तो लाइन नंबर 11 जहाँ पर ये कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को पोस्ट लिखना है H1 में, होम / पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ऑल कैटेगरीज नहीं होगा, ऑल पोस्ट होगा, और यहाँ पर भी ऑल पोस्ट, अब यहाँ देखो जो टेबल बना हुआ हम लोगों का, यहाँ पर कैटेगरी नेम है, यहाँ पर हम लोगों को सिंपली पोस्ट नेम कर देना, और पोस्ट का स्टेटस, एक मिनट, पोस्ट नेम है, पोस्ट का स्टेटस होगा, और बाकी जो कुछ होगा हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे उसका। नेम की जगह हम लोग अगर टाइटल लिख दे तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। और उसका एक कैटेगरी भी यहाँ पर दे देना होगा कि वो किस कैटेगरी से, तो पोस्ट किस कैटेगरी से है, ठीक है। और एक्शन यहाँ पे सही है,
और अभी जो यहाँ पे लूप चला हुआ है, इस लूप को हम लोगों को कमेंट कर देना है, इसका अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी अभी इसका कोई काम नहीं है, बाद में हम लोग आइटम आईडी डिफाइन करेंगे, अभी बस नॉर्मल डेटा यहाँ पे डालेंगे वन। और यहाँ पर टाइटल में आर रोज़ कुछ भी डाल देते हैं, और कैटेगरी में लेजी वुड, ठीक है। और ये राउट यहाँ पे अभी रहने देते हैं, बाद में इसको पोस्ट डॉट एडिट कर देंगे। और एक और है यहाँ पे स्टेटस पब्लिश्ड, ठीक है। अगर ड्राफ्ट रहेगा तो उसको ड्राफ्ट में कर देंगे, पब्लिश्ड रहेगा तो पब्लिश्ड में कर देंगे। इस तरह से हम लोग इसको कोड करने वाले हैं आगे चल के। और यहाँ पर अभी आइटम नहीं कॉल हो रहा है, तो सिंपली यहाँ से आइटम आईडी हटा देते हैं, नहीं तो अभी एरर आएगा। इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से इतना तो अभी वर्क करना चाहिए। तो इसको व्यूज़ कराने के लिए हम लोगों को व्यू कराने के लिए वेब डॉट पी एच पी में आना है। और यहाँ पर कैटेगरी सेक्शन है राउट कैटेगरी कंट्रोलर, तो पोस्ट कंट्रोलर अभी हम लोगों को बनाना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ से इसको हटाते हैं कुछ ऐसे। आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ से न्यू टर्मिनल में जाना है, इसको ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है पी एच पी आर्टिशन मॉडल, सॉरी मेक मॉडल, मेक कॉलन मॉडल, और मॉडल का नाम पी कैपिटल में है पोस्ट। और यहाँ पर आपको डालना है माइग्रेशन एम सी से कंट्रोलर, और हम लोगों को चाहिए सीडर चाहिए, फैक्ट्री नहीं चाहिए, रेफरेंस चाहिए, ठीक है। बस इतना सा काफ़ी है, और सिंपली बस यहाँ से एंटर करना है आपको। ये बन गया सारा कुछ यहाँ पे, सीडर फैक्ट्री सारा कुछ सब कुछ कंप्लीट हो गया, कंट्रोलर भी बन गया फाइनली। चलो ठीक है, अभी इसको वापस से कट करते हैं यहाँ से, डिलीट मत कर देना उसको। तो सिंपली अभी हम लोगों को इधर ही कंट्रोलर को कॉल करेंगे, जैसे ये है ना राउट कंट्रोलर, तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसको ही डुप्लीकेट कर लेते हैं हम लोग ऐसे करके। और अभी जितना ये सब है इन सब को हटा देते हैं यहाँ से, जो मैं समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल कैटेगरी की जगह ऑल पोस्ट, ठीक है। ऑल पोस्ट नेम पोस्ट डॉट ऑल, ठीक है। अब यहाँ कैटेगरी कंट्रोलर जो है इसको हटा देना है, यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर इसको लोड करना है यहाँ से। इंपोर्ट अगर ऑटो इंपोर्ट नहीं होता है तो आपको मैनुअली इंपोर्ट करना होगा ऊपर जाके, सिस्टम स्लो है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ से पोस्ट पोस्ट कंट्रोलर, उसका स्पेलिंग चेक कर लेते हैं यहाँ से आके कंट्रोलर में। यहाँ पर देखो पोस्ट कंट्रोलर है, ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑल पोस्ट पोस्ट डॉट ऑल, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर ऑल पोस्ट को आपको कॉपी करना है, और अपने और रेफरेंस यहाँ पर ऑलरेडी है, तो इंडेक्स को हम लोग सिंपली यहाँ पर ऑल पोस्ट डालेंगे, इंडेक्स नहीं चाहिए। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अभी रिटर्न व्यू करने वाले हैं, व्यू रिटर्न करेंगे। और व्यू का पाथ डालना है हम लोगों को, किस पेज में हम लोग ऑल पोस्ट को व्यू कराने वाले हैं, तो वो वाला पेज होगा हम लोगों का व्यूज़ के अंदर एडमिन डॉट पोस्ट डॉट आगे कुछ है शायद ऑल पोस्ट,
ठीक है। और अभी कोई डेटा वेटा इधर कॉल नहीं करना, अभी डायरेक्ट अभी इसको रखे हैं, बस अभी पोस्ट को देखना है हम लोगों को। ऑल पोस्ट है, राउट क्लियर है, कंट्रोलर भी क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम लोग यूआरएल चेक करते हैं, ये रहा यूआरएल, अपने डैशबोर्ड में आना है, स्लैश एडमिन स्लैश ऑल पोस्ट, वेट करते हैं इसका। तो यहाँ पर एक छोटा सा एरर है, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम लोग ऑल पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी से, इधर आना आपको और इस यू आर एल को हटा देना है यहाँ से, ठीक है। ये पैरामीटर अभी नहीं चाहिए, अब फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको। तो ये देख सकते हो आप, हाँ ये वाला व्यूज़ हम लोगों का रेडी है, ऑल पोस्ट वाला। तो अब सिंपली हम लोगों को क्रिएट न्यू पोस्ट का व्यू रेडी करना होगा, तो उसके लिए हम लोगों को फॉर्म बनाना है, और उसके लिए सिंपली आपको कैटेगरी नहीं, उसको क्लोज करते हैं और पोस्ट वाले फोल्डर में आते हैं और यहाँ एक न्यू फाइल बनाते हैं, क्रिएट पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, ठीक है। और कैटेगरी में इससे पहले जो क्रिएट कैट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी था, जस्ट हम लोग सिंपली यहाँ से उसका सारा कोड कॉपी करेंगे इसे, ठीक है, और क्रिएट पोस्ट में जाएंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हम लोग, जैसे कि कैटेगरी नहीं चाहिए, यहाँ पर पोस्ट चाहिए, और यहाँ पर भी पोस्ट, और नीचे आना फिल फॉर्म एंड सबमिट, ये सही है। कैट डॉट स्टोर्ड, अभी यहाँ से इसको हटा देते हैं फॉर्म से, अभी कहीं स्टोर नहीं कराना हम लोग, अभी बस हम लोग लेआउट बना रहे हैं, स्टोर का काम नेक्स्ट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरी नेम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग पोस्ट टाइटल, ठीक है, और नीचे डायरेक्ट सबमिट फॉर्म है। तो फिलहाल हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ये लोड ले रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग इसमें और सब फील्ड ऐड करेंगे, जैसे कि हम लोग का डेट होगा, कैटेगरी आईडी होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, स्टेटस होगा, वीडियो टाइप होगा, थंबनेल होगा, कमेंट्स होगा, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स, ये सारा कुछ अभी हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर अभी आया है और ये दिख कैसा रहा है, ठीक है, उसके बाद ही इसमें कुछ हम लोग लेआउट डालेंगे। तो सिंपली हम लोग वेब डॉट पी एच पी में जाएंगे, हाँ ये रहा वेब डॉट पी एच पी, ऑल पोस्ट नहीं है, अब यहाँ पर है क्रिएट पोस्ट, ठीक है, क्रिएट पोस्ट पेज, और यहाँ पर क्रिएट पोस्ट, और नेम में हो जाएगा पोस्ट डॉट क्रिएट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना तो काफ़ी होना चाहिए, ठीक है, क्रिएट पोस्ट पेज। अब सिंपली इसका हम लोग कंट्रोलर में इसको डिफाइन करने वाले हैं, तो कंट्रोलर में चलते हैं, पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है। अब इस वाले क्रिएट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे क्रिएट पोस्ट से, और यहाँ पर अभी हम लोग रिटर्न करेंगे आर ई टी ओ आर एन, ठीक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है मेरा, रिटर्न व्यू, और व्यू हम लोगों का है पोस्ट डॉट, क्रिएट पोस्ट, ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसका, क्रिएट पोस्ट पी कैपिटल है, ठीक है, और यहाँ पर सेमी कॉलन ये नहीं छोड़ना है, और सिंपली हम लोग वेब डॉट पी एच पी में पहले जाते हैं और यहाँ से जो यू आर एल है उसको एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है, कि ये लोड लेता है कि नहीं। तो आपको अपने वेबसाइट पे आना है और यहाँ से यू आर एल डाल के इसको चेक करना है। तो ये लोड ले रहा है, ठीक है, अभी पोस्ट टाइटल पे है,
तो सिंपली अभी जो यूआरएल, अभी दो यूआरएल हम लोग अभी रेडी किए हैं, उन दोनों यूआरएल को हम लोग एक क्रिएट न्यू पोस्ट पे डाल देंगे, एक ऑल पोस्ट पे डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोगों का यूआरएल था पोस्ट डॉट ऑल एंड पोस्ट डॉट क्रिएट। तो सिंपली आपको लेआउट में जाना है, एडमिन का पोस्ट में ये रहा लेआउट, बेस डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। तो एडमिन वाले फोल्डर के अंदर जो लेआउट आपको उसमें जाना है। अभी लेआउट दो दो जगह है, एक जो ऑफिशियली जो हमारा होम पेज होगा उस पर होगा और एक एडमिन के लिए लेआउट होगा। तो दोनों में से सिर्फ एडमिन वाले लेआउट पे जाना है, ठीक है। तो शायद पोस्ट वाला सेक्शन यहाँ पे है, ब्लॉग पोस्ट है, क्रिएट न्यू पोस्ट है, ऑल पोस्ट है। तो HREF में आपको URL डालना होता है, यहाँ पर डबल कर्ली ब्रेसेस ऑन करना है और यहाँ पर राउट, फिर उसके अंदर हम लोग अभी URL जो अभी बनाए। तो क्रिएट न्यू पोस्ट में था पोस्ट डॉट क्रिएट, ठीक है, और ऑल पोस्ट में था फिर से यहाँ पे राउट पोस्ट डॉट ऑल, ठीक है। बस इतना सही था, बाकी और कुछ नहीं है। अभी हम लोग एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये कहाँ लोड लिया कि नहीं। तो ये दोनों राउट्स लोड ले लिया नीचे ओवर करने के बाद, URL आ रहा। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर और सारा फील्ड्स ऐड कर देते हैं और सिंपली हम लोग कोड पे जाते हैं, और जहाँ पर पोस्ट वाले सेक्शन में क्रिएट पोस्ट में, ठीक है। अभी यहाँ पे एक फील्ड ऑलरेडी है पोस्ट टाइटल, तो पोस्ट टाइटल को डुप्लीकेट करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अभी डेट डालेंगे और इसको अभी कमेंट कर देते हैं टाइटल से, यहाँ पर डेट रहेगा। ठीक है, सॉरी, तो फोर यहाँ पे हम लोग जहाँ पर भी कैट नेम यूज़ किए हैं हर जगह पे हम लोग वहाँ पर पोस्ट टाइटल वगैरह जो भी है अभी वो ऐड करना है, ठीक है। और एक यहाँ पर भी है, ठीक, सबको हम एक बार में टाइटल डालने वाले हैं। पोस्ट टाइटल ना डाल के सिर्फ टाइटल डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर टाइटल नहीं, अब हम लोगों को डेट चाहिए, सिंपली एक फील्ड होगा डेट का, और जो भी यहाँ पर डेट है कैट नेम सबको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं डेट से, इसको भी, ठीक है। एक फील्ड रहेगा डेट का, और इसको सिंपली जैसे डुप्लीकेट करना है वापस से। और यहाँ पर देखो इसका कॉल LG11 है ना, तो इसका कॉलम 11 ना करके हम लोग इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। और स्मॉल स्क्रीन में ये 12 है, तो इसको हम स्मॉल स्क्रीन में 10 कर देते हैं। अब इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि लेआउट अभी कैसा आ रहा है इसका। तो यहाँ पर मार्जिन पैडिंग कुछ ज़्यादा हो गया, यहाँ देखो MT5 है ना, तो सिर्फ एक में MT5 यहाँ पर था तो चलता, लेकिन नीचे MT5 नहीं देना। तो सिंपली हम लोग MT1 दे देते हैं, और इसमें डुप्लीकेट एक ही हुआ है, डेट तो दो बार डुप्लीकेट किया हुआ। अच्छा, यहाँ पर भी MT दिया हुआ, तो नॉर्मली MT1 अगर देखे देखते हैं रिफ्रेश करके। ये काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग अगर पैडिंग दे रहे हैं तो मार्जिन टॉप हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी मार्जिन टॉप हटा देते हैं, बस नीचे दो वाले से ऊपर वाले में पैडिंग टॉप जो है, सॉरी मार्जिन टॉप जो है उसको रहने देते हैं, बाकी इसको हटा दिए, ठीक है। अब देखो डेट है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कैटेगरी डालने वाले हैं, ठीक है, कैटेगरी। और यहाँ पर कैटेगरी रहेगा, ठीक। और यहाँ पर जितना भी हम लोग फील्ड है डेट का, 4 फील्ड होगा शायद, 5, तो पांचों को रिप्लेस कर देना है कैटेगरीज, कि जो पोस्ट हम लोगों का है वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर कैटेगरी डालें। तो कैटेगरी के बाद अब हम लोगों के पास होगा वीडियो टाइप, मतलब हमारा वीडियो जो भी हम लोग आपका जो भी है, आप उसको फ्री डी वी डी है या फिर HD है, वेब है, MP4 है, ठीक है,
तो आप यहाँ पर वीडियो टाइप ऐड कर सकते हो। और सजेशन में हम यहाँ पर ऐसे HD कॉलन प्री DVD ETC, ठीक है, सजेशन में यहाँ पे दे दिया। और सिंपली यहाँ पर जो कैटेगरी था उसको रिप्लेस करना होगा। जितना भी कैटेगरी है उस सबको वीडियो टाइप से हम लोग रिप्लेस करेंगे। वीडियो अंडरस्कोर टाइप, सारा जगह वीडियो टाइप, एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। और इसका भी हम लोग जो डेट का है, जिस तरह से, एक्चुअली नहीं, ये ठीक है, वीडियो टाइप कॉल LG, इसको भी हम लोग कॉल LG 5 कर देते हैं। और इसका कॉल LG कैटेगरी और ये दोनों को कॉल LG 5 रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को स्टेटस चाहिए, सेम चीज़ हम लोग रिपीट करने वाले हैं स्टेटस के लिए भी। ये हमारा पोस्ट जो है उसका बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे, तो यहाँ पर स्टेटस डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टेटस अभी हम लोग रहने देते हैं। तो सिंपली एक थंबनेल आता है, तो थंबनेल हम लोग लास्ट में डालेंगे, कमेंट भी लास्ट में डालेंगे। तो बच गया एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉल LG 11 ठीक था, और इस वाले सेक्शन को यहाँ से हम लोग ऐसे करके रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग SCRIPTION डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ से वीडियो टाइप है, वीडियो टाइप, इन पांचों को रिप्लेस करना है डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। एक बार हम लोग लेआउट चेक कर लेते हैं कि ये दिख कैसा रहा, उसको रिफ्रेश होने देते हैं। तो ये देखो पोस्ट टाइटल है यहाँ पे, और यहाँ पर डेट रहेगा, यहाँ कैटेगरी है, यहाँ पर वीडियो टाइप है, और ये रहा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग कैटेगरी में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पर इनपुट टाइप जो है सेलेक्ट में हम लोग डालेंगे, और सेलेक्ट में ऑप्शंस डालेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ये जो इनपुट है इसको हटा देना है, और यानी तो अच्छा सिंपली हम लोग इसको हटा ही देते हैं यहाँ से पूरा, इस पूरे लाइन को। और यहाँ पर आपको यूज़ करना है सेलेक्ट टैग, ठीक है, नेम ID। एक मिनट, ये नीचे चला गया, कोई बात नहीं, हम लोग इसको वापस ऊपर जा रहे हैं। एक्चुअली ये कैटेगरी बार बार रिपीट हो रहा है ना, कैटेगरी नहीं, यहाँ पे नहीं करना था हम लोगों को। एक मिनट, यो टाइप, ज़्यादा कमेंट इसे उसको क्लियर कर देते हैं, DSC डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी, ठीक है, अब सही है। तो कैटेगरी का जो इनपुट टाइप है सिंपली हम लोग उसको हटा लें, हटा के, और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। और सेलेक्ट टैग में 4 कैटेगरी ID भी इसका हो जाएगा कैटेगरी, ठीक है। अब देखो सेलेक्ट टैग जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ऑप्शन देते हैं सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा, ऑप्शन में वैल्यू में हम लोगों का क्या हो जाएगा कैटेगरी, जैसे कि लेजी वुड, कॉफी वुड, कोड वुड प्रोग्राम वुड, ठीक है। तो अभी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, एक्चुअली
यहाँ पर से इसका वैल्यू हटाना है और यहाँ पर भी इसको रखना है सेम चीज़ को। तो वैल्यू एक्चुअली अगर हम लोग हटा देंगे तो वो भी सही होगा, क्योंकि हम लोग बाद में इसमें जो आईडी होगा बस वो पास करेंगे, ठीक है। और सेलेक्ट इतना ठीक है, अब देखते हैं ये परफेक्ट है कि नहीं, और उसको रिफ्रेश होने देते हैं पेज को। इतना कुछ करने के बाद अभी सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। अदर अब यहाँ पे देखो, हम लोग इनपुट लिया ना, एक्चुअली इनपुट नहीं लेके हम लोग टेक्स्ट एरिया लेते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया में क्या होता है, एक नंबर ऑफ़ रोज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो रोज हो जाएगा 50, हाँ इतना काफ़ी होना चाहिए, हाँ थोड़ा सा कम कर देते हैं 40, ठीक है। डिस्क्रिप्शन फॉर्म कंट्रोल ओल्ड डिस्क्रिप्शन, वापस देखो ये कैटेगरी ठीक हो गया, यहाँ पर ये सेलेक्ट टैग काम कर रहा है। और वीडियो टाइप जैसा होगा वो हम लोग यहाँ पे खुद से टाइप करके बताएंगे। डिस्क्रिप्शन अभी अपडेट कर दिए हैं, तो टेक्स्ट एरिया देखो अब लोड ले लेता है तो सही होगा। और ये क्या, एक्चुअली टेक्स्ट एरिया को हम लोग क्लोज़ नहीं किए हैं तो इसलिए सारा कोड दिख रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट एरिया से क्लोज़ होगा, ठीक है, तो कोड नहीं दिखेगा नीचे का। देखो ये क्लोज़ करने के लिए भूलना मत टेक्स्ट एरिया को ऐसे करके, ठीक है। तो सिंपली और तो कुछ नहीं है, कॉल 12 है, इसको भी हम लोग 12 रखेंगे, बटन सक्सेस, बाकी एक हम लोग का फील्ड छूट रहा है इमेज वाला। तो जस्ट सिंपली इस वाले को डुप्लीकेट करेंगे हम लोग, सारा कुछ ठीक है, बस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की जगह थंबनेल, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया हटा के हम लोगों को वापस से इनपुट लगाना है और यहाँ से टेक्स्ट एरिया को हटा देना है, ठीक है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन जितना भी है इन सारे डिस्क्रिप्शन को हम लोगों को थंबनेल से रिप्लेस कर देना है। THM, BNAIL देख लेना आप लोग थंबनेल का स्पेलिंग। तो ये थंबनेल हो गया। अब देखो यहाँ पे है ना, इनपुट है, टाइप टेक्स्ट है, तो टाइप टेक्स्ट नहीं डाल के हम लोगों को टाइप फाइल डालना है, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल, तो ये फाइल को अपलोड करेगा। तो टेक्स्ट एरिया कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, अब ये ठीक हो जाएगा। फोर्टी कुछ ज़्यादा ही है, आप लोग रख लेना अपने हिसाब से, हम उसको छोटा कर देते हैं। 18 एडिटर हम लोग बाद में लगाएंगे इसमें, अभी एडिटर नहीं लगा रहे, ठीक है। तो ये 18 सही है। अब देखो थंबनेल के लिए चूज़ फाइल आ गया, और यहाँ पर जो भी हम लोग चूज़ करेंगे फिर वो सबमिट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो क्रिएट न्यू पोस्ट का लेआउट रेडी है, यहाँ पर तो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ इनपुट टाइप फाइल में यहाँ रोज़ नंबर ऑफ रोज़ इसके नहीं होगा, आप इसको यहाँ से ऐसे हटा देना। बाकी सारा कुछ सही है, मेटा डिस्क्रिप्शन बच गया है, मेटा टाइटल, मेटा कीवर्ड्स। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग वापस एक इस वाले डिव को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक और डिव लेंगे, ठीक है। इसको रॉ डिफाइन करेंगे, W-100 एमटी देंगे इसमें 1, इसको थोड़ा सा डाउन रखेंगे, और D-flex
जस्ट उस वाले कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। थंबनेल के जगह हम लोग अब यहाँ पे हटा देते हैं इसको, यहाँ पर हो जाएगा मेटा टाइटल। ये एक्चुअली हम लोग SEO सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक डिव लेके हम लोग SEO सेक्शन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा SEO सेक्शन, ठीक है। और एक इमोजी ऐड कर देते हैं छोटा सा। क्लास में हम लोग WDS full नहीं WDS 100, और टेक्स्ट हम लोग डेंजर लेते हैं, अब फाइल नहीं मेटा टाइटल है, तो 4 चेंज कर देते हैं सबको। फाइल को भी हटा के हम लोग उसको टेक्स्ट कर देंगे। फाइल सॉरी टेक्स्ट किसी और को कर दिए, यहाँ पर टेक्स्ट नहीं करना है, जो थंबनेल लिखा हुआ उसको चेंज करके मेटा टाइटल, ठीक है, आपको ये डालना है। यहाँ इनपुट टाइप फाइल जो है इसको हम लोगों को टेक्स्ट रखना है, तो जाके हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं लेआउट कैसा है। SEO सेक्शन मेटा टाइटल, ठीक है, सही है। और इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा बोल्ड कर देते हैं, एक्चुअली रहने देते हैं, ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये थंबनेल यहाँ से इनकोडिंग, ठीक है, जो ये थंबनेल है इसको मेटा टाइटल ऐसे चेंज कर देते हैं, और वापस इसको हम लोग रिपीट करेंगे, इसको सिंपली ऐसे करके कॉपी पेस्ट करना है। मेटा टाइटल अब हटा के हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद फिर मेटा कीवर्ड्स, ठीक है, मेटा टाइटल सबको रिप्लेस करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और टाइप में टेक्स्ट रहेगा, और यहाँ टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग एक और चीज़ ऐड करेंगे, जिसका नाम है मेटा कीवर्ड्स। तो सिंपली इन सारी चीज़ों को रिप्लेस करना है मेटा कीवर्ड से, ठीक है। और यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन को हटा के कीवर्ड्स, ठीक है, तो जो मेटा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर फिर इनपुट टाइप में नहीं लेना है, इसको टेक्स्ट एरिया में लेना है, और इसको यहाँ पर क्लोज भी करना होगा वरना पेज का सारा कोड दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसको रिफ्रेश करके एक बार लेआउट देख लेते हैं हम लोग। तो ऐड न्यू पोस्ट, पोस्ट टाइटल है, डेट हो गया हम लोगों का, फिर लेजी आउट कैटेगरी हो गया, वीडियो टाइप है, डिस्क्रिप्शन है, थंबनेल है, मेटा डिस्क्रिप्शन, अब इसको जितना बड़ा कर सकते हो ये देखो, ठीक है, मेटा कीवर्ड्स हो गया, सारा चीज़ हो गया। और डेट में हम लोग इनपुट टाइप डेट कर देते हैं यहाँ से, थंबनेल डिस्क्रिप्शन वीडियो टाइप कैटेगरी डेट, तो यहाँ पर इनपुट टाइप में डेट, ठीक है। और बाकी अभी जितना लेआउट हम लोग को कंप्लीट करना था वो सारा लेआउट कंप्लीट, ऑल पोस्ट वाला और क्रिएट न्यू पोस्ट, अब जो बचा एडिट वाला बचा है और अपडेट वाला बचा है, तो वो फॉर्म का काम है,
वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको करेंगे, उसके बाद इसका जो भी बैकएंड का कोड है उसके बाद फिर बैकएंड का कोड करेंगे। तो आने वाला वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है, ठीक है? तो आप लोग अपडेटेड रहो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू सोन।